नमस्कार। कबीर के जो दोहे बचे हुए हैं वो करते हैं। कबीर कहाँ गर्भियो इस जीवन की आस, टेसु फूले दिवस चारी खंकर बहे पलास। टेसु का अर्थ है पलास के फूल, खंकर का अर्थ है सूख जाना। तो कबीर दास जी ने अपनी साखियों में मानव को चेतावनी देते हुए कहा है कि हे मानव, अपने शरीर की सुंदरता कबीर कहाँ गर्वियो इस जीवन की आस, कि अपने शरीर की सुंदरता एवं यौवन पर गर्व करना व्यर्थ है, क्योंकि यौवन की सुंदरता तो टेसु फूल दिवस चार, पलास के फूल की भांति दिवस चार चार दिन की है, अर्थात थोड़े समय के लिए है। खंखर बहे पलास, जिस प्रकार पलास के वृक्ष पर चार दिन या थोड़े समय के लिए सुंदर फूल खिलते हैं, उसके बाद वह पत्ते विहीन या ठुंठ मात्र रह जाता है, उसी तरह से मनुष्य का शरीर और यौवन भी कुछ समय के पश्चात मिट्टी में मिल जाता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने यौवन की सुंदरता का अंक के बारे में कहा है कि वो सनिक है, और यौवन का घमंड त्याग कर प्रभु भजन करने की प्रेरणा दी है, और यहाँ पर दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया है। यह ऐसा संसार है जैसा से बलफूल सैंबल फूल दिस दिन दस के व्यवहार को झूठी रंगीन है भूल। सैंबल का अर्थ है सेम्बर का फूल, व्यवहार व्यवहार। तो यहाँ पर कबीरदास जी मानव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मानव, यह ऐसा संसार है कि इस संसार का जो अस्तित्व है वो जैसा सैंबुल फूल, सैंबुल के फूल की भांति सुहावना लगता हुआ भी निशार है, कि सैंबुल के फूल की भांति है। कैसा है कि दस दिन के व्यवहार को झूठी रंगीन है भूल, इसलिए तुम इसके थोड़े समय के व्यवहार अर्थात माया जनित आकर्षणों के भरम से भ्रमित मत हो। कहने का तात्पर्य है कि संसार है वो मिथ्या है, इसके मोह बंधन को त्याग कर ईश्वर भक्ति में लग जाओ। तो यहाँ पर सांसारिक सुंदरता और जो व्यवहार है उसको कबीरदास जी ने मिथ्या बताया है। उपमा और छे कानून रास अलंकार का इसमें प्रयोग किया है। कबीर हरि की भक्ति बिन धीगी जीमन संसार, धुआं केरा धोल हर जात्र लागे बार। कबीरदास जी प्रभु भक्ति के विषय में बताते हैं कि प्रभु भक्ति के बिना संसार में जीवन धारण करना व्यर्थ है। कहने का तात्पर्य है कि प्रभु भक्ति से ही मानव जीवन सार्थक बनता है। मनुष्य को प्रभु भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि मानव जीवन धुएं के महल की भांति सनिक है। तो यहाँ पर प्रभु भक्ति के महत्व को प्रतिपादित किया है, मानव जीवन को नश्वर और सनिक बताया है। कुल खोया कुल उबरे, कुल राख्यो कुल जाई, राम निकुल कुल भेठी के सबल कुल रहा समाई। तो कबीरदास जी के अनुसार यहाँ पर कुल का अर्थ कुटुम्ब, निकुल कुल, कुल विहीन, और कुल का अर्थ है प्रभु सार तत्व, सब कुछ कुल मिलाकर जो भेठी प्राप्त करना। कबीरदास के मत के अनुसार सांसारिक प्रलोभनों को त्याग कर ही मनुष्य जीवन के सार तत्व अर्थात ब्रह्मा को प्राप्त कर सकता है। यदि जीव माया के आकर्षण में उलझा रहेगा तो प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इसलिए कवि जीवन को वैभवपूर्ण प्रलोभनों से विरक्त होकर ब्रह्मा में लीन रहने का संदेश देता है, क्योंकि वही समस्त आनंद और सुख का केंद्र है और सारा संसार उसी में समाया हुआ। तो कबीरदास ने जीव को सांसारिक आकर्षणों से दूर रहने का संदेश दिया है। धन्यवाद।